नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत और वक्त है सिंध रफ्तार का। उज्जैन में ग्राम उमरिया खालसा में जन चौपाल, कलेक्टर और एसपी ने ग्रामीणों की समस्या सुनी। पीएम आवास और किसान योजनाओं की जानकारी दी। विकास के लिए सौंदर्यकरण और पर्यटन योजना पर चर्चा। रायसेन में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रायसेन जिले के विभाजन का विरोध किया गया। साथ ही मंडीदीप रायसेन की पहचान है। भूगोलिक क्षेत्र में बदलाव का प्रस्ताव खारिज करने की मांग। शाजापुर में संविधान रक्षक अभियान की शुरुआत। प्रमुख मार्गों से निकाला मशाल जुलूस। युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर आरोप लगाए। जीतू पटवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना। रायसेन के बेगमगंज में मकान में लगी भीषण आग। दमकल ने एक घंटे में पाया आग पर काबू। सामान जलकर हुआ खाक, जनहानि नहीं। भिंड में खाद की कमी से परेशान किसान दिन रात लाइन में लगते हैं। किसान सर्वर की समस्या के कारण वापस लौटना पड़ रहा है। दुकानदार ऊंचे दामों में बेच रहे खाद। चित्रकूट में आसाम के राज्यपाल पहुंचे। वहीं भगवान श्री कामतानाथ जी के दर्शन के कामदगिरी पर्वत की लगाई परिक्रमा। देश के सुख और समृद्धि की कामना की। एमपी में पहली बार बछिया की नीलामी। पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने जानकारी दी। 350 बछिया एक साथ की जाएगी नीलाम। अलग अलग उम्र के अनुसार तय की गई राशि। दमोह में तुम अपना कारोबार करो, मैं नशे में हूँ, शराबी युवक का वीडियो वायरल। थाने के पास शराबी युवक का तमाशा। भिंड में मिशन साहसी अभियान का उद्घाटन। छात्राओं को सिखाए जाएंगे आत्मरक्षा के गुर। 220 छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग। समापन पर मिलेंगे सर्टिफिकेट और मेडल। मैरुंदा में नवीन कृषि उपज मंडी में नीलामी की प्रक्रिया शुरू। एसडीएम की मौजूदगी में बोली लगाई गई। मंडी निर्माण के लिए 29 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त। पूर्व सीएम शिवराज ने 29 एकड़ भूमि और राशि स्वीकृत की थी। करेली में अवैध कार्यों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। सट्टा, जुआ, शराब और गांजा की बिक्री बंद कराने की मांग। तहसीलदार, थाना प्रभारी और नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन। प्रशासन से अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की अपील। सीहोर में तहसीलदार ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। दुकानदारों के सामान को जब्त किया गया। कोलीपुरा चौराहे पर सड़क पर रखी टेबल कुर्सी पर कार्रवाई। शराब में मिलावट का वीडियो वायरल। आबकारी विभाग ने शुरू की जांच। पानी मिलाकर शराब बेचने का आरोप। दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश। इंदौर के लालबाग परिसर में लगेगा सेवा मेला। 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक होगा आयोजन। नारी शक्ति को समर्पित किया मेला। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी होंगे शामिल। उज्जैन में चैरिटेबल अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही। बच्ची का गलत इलाज करने से पैर हुआ खराब। परिजनों ने टावर चौक पर किया अमरण अनशन। दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग। ग्वालियर में सांसद मनोज तिवारी पहुंचे। बागेश्वर धाम की यात्रा में होंगे शामिल। राहुल गांधी पर जमकर साधा निशाना। स्वर्गीय प्रभात झा को श्रद्धांजलि दी। इंदौर में बीआरटीएस हटाकर बनाए जाएंगे फ्लाईओवर। इंदौर में 5 नए फ्लाईओवर प्रस्तावित। 2 फ्लाईओवर का काम जारी। 1 बनकर तैयार। एलआईजी चौराहा, गीता भवन और शिवाजी वाटिका पर बनेगा फ्लाईओवर। इंदौर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। बकाया संपत्ति पर एक्शन। 48 लाख रुपए का संपत्ति कर बकाया। धर्मशाला का गार्डन किया गया सील। ग्वालियर में वैक्सीनेशन के बाद 1 महीने की बच्ची की मौत। एएनएमएम की लापरवाही से बच्ची की जान गई। परिजनों ने कार्रवाई की मांगी। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के खिलाफ जांच शुरू। भोपाल में इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव का बयान। इंदौर में बनेगा मां नर्मदा का समर्पित चौराहा। शहर में बड़ी शोभा यात्रा का आयोजन भी होगा। 11 दिसंबर को होगा लोकार्पण। बीना में नगर पालिका की स्वच्छता बैठक। व्यापारियों को दिए दिशा निर्देश। कचरा गाड़ी समय पर भेजने की अपील। नगर को स्वच्छ रखने की शपथ ली। खंडवा में शिवाजी चौक पर अतिक्रमण। अतिक्रमण के खिलाफ हिंदू समाज एकजुट। निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। करेली में नशा मुक्ति जन चेतना अभियान। नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। थाना प्रभारी समेत समस्त स्टाफ मौजूद रहा। कटनी में गांजा तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार। महिलाओं के पास से 72 किलो 540 ग्राम गांजा बरामद। जब्त गांजे की कीमत करीब 10 लाख रुपए। श्योपुर में 38 दिन बाद भी नहीं मिला गुमशुदा छात्र। गुमशुदा की तलाश को लेकर मीणा समाज को ज्ञापन। पुलिस ने गुमशुदा छात्र को तलाशने की मांग की। भोपाल में जिंदा पति को मृत बताकर मुआवजा लेने की कोशिश। गैस राहत विभाग ने फर्जी मुआवजा आवेदन का किया खुलासा। महिला ने पहले से मुआवजा ले चुके पति को मृत दिखाया। जोबट में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 24 घंटे के भीतर लूट के आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से लूट की माल भी जब्त किया। बड़वारा में स्कूल में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली। शिक्षा अधिकारी ने किया आकस्मिक निरीक्षण। प्रधान अध्यापक को जारी किया कारण बताओ नोटिस। अनियमितताओं की लगातार मिल रही थी शिकायतें। भोपाल में गाय की बछिया की नीलामी पर कांग्रेस नाराज। बछिया की नीलामी को ठहराया गलत। कहा कि अपने निर्णय पर विचार करे सरकार। मंदसौर में एसपी अभिषेक आनंद ने आयोजित की प्रेस वार्ता। ऑपरेशन जीनत के तहत हुई कार्रवाई। कुल 48,68,000 का मादक पदार्थ जब्त। सागर में नाबालिग लड़की की डिलीवरी। अस्पताल पर डिलीवरी छुपाने का आरोप। लड़की और उसकी दादी को छुपाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही। छतरपुर में ढोडन बांध स्थल का निरीक्षण किया गया। कमिश्नर कलेक्टर ने ग्रामीणों से चर्चा की। मुआवजा राशि जमा होने की समीक्षा की। कटनी में रेलवे स्टेशन से 1 क्विंटल 20 किलो गांजा जब्त। पुलिस ने किया 2 महिलाओं को गिरफ्तार। गश्त के दौरान 18 लाख रुपए का मादक पदार्थ पकड़ा। ओमकारेश्वर में थाना प्रभारी पर स्टॉकिंग का आरोप। युवती से सोशल मीडिया पर करता था स्टॉकिंग। युवती को अपने साथ रहने के लिए किया मजबूर। मडनगर में गौशाला गोपाल गौशाला की भूमि पर अतिक्रमण। गौशाला में रहती है 1500 गाय। एसडीएम ने शीघ्र कार्रवाई की बात कही। बहादुरपुर में ग्राम बर्री में दिखा मगरमच्छ का बच्चा। वन विभाग ने रेस्क्यू किया। मगरमच्छ के बच्चे को बेतवा नदी में छोड़ा गया।
भोपाल में बीजेपी संगठन पर्व की दूसरी कार्यशाला संपन्न। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जानकारी दी, 1,72,00,000 कार्यकर्ता बनाने का रिकॉर्ड। परेरा में विधायक ने खाद की समस्या को लेकर की बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश, कालाबाजारी करने वालों पर होगी कार्रवाई। फिलहाल इस रफ्तार में इतना ही, आप देखते रहिए सिंह भारत।